रेल यात्रा मेरी हास्य रस की शुद्ध हास्य रस की रचना ही है, बहुत लोकप्रिय हुई और इसने मुझे काफ़ी नाम दिया, काम दिया। और ये हास्य रस की रचना है, इसके पैरेलल एक व्यंग की, खालिश व्यंग की रचना सुन लीजिए जिसके लिए आदेश है, वो व्यंग की रचना है, उसमें भी हंसी मजाक है लेकिन वो व्यंग है। हास्य व्यंग में ये है कि हास्य व्यंग हास्य का कंप्यूटराइज्ड बेटा है। शव यात्रा एक फैंटेसी रचना है, आप लोग फैंटेसी समझते होंगे, वो जो नहीं होता, वो जो दुनिया में नहीं हो सकता लेकिन रचनाकार कवि उसको करके बता देता है अपनी कल्पना से, वो फैंटेसी रचना है। जैसे जंगल बुक, जैसे पंचतंत्र, कोई जानवर नहीं बोल सकता लेकिन जानवरों को बोलते बताते हैं क्योंकि बात को समझाना होता है। ये रचना भी मेरी फैंटेसी रचना है, ये रचना मैंने अपनी शव यात्रा पर लिखी है। क्या डॉक्टर लोग कहते हैं, मेडिकल साइंस कहता है कि आदमी का दिल बंद होने का मतलब ये नहीं है कि आदमी मर गया। डॉक्टर सिद्ध करता है कि आदमी का दिमाग जब 2 घंटे बाद समाप्त होता है तब दिल और दिमाग के खत्म होने पर आदमी पूरी तरह मरता है। क्या बात, ऐसा कहा डॉक्टर ने, मैंने फ़ायदा उठाया। अब क्या पता ये बात थ्योरी सही है गलत, लेकिन दिमाग होता ही होगा साहब, दिमाग की ताकत दिल से बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है। तो धीरे धीरे दिमाग मरा और 2 घंटे में दिल मर गया, मैं मेरी डेथ हो गई, मैं डेड बॉडी मेरी पड़ी हुई थी, तमाम दोस्त वोस्त आए थे, कुमार मनोज भी आया था मेरी शव यात्रा में, और भी दोस्त आए थे, मेरी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, दोस्त समझे मैं मर गया, लेकिन मैं लेटा लेटा उन सब की बातें सुन रहा था। क्या क्या हो रहा था सुन लीजिए। कुमार मनोज बहुत दुखी था, किसी ने पूछा क्या बात है कुमार, चौबे जी बहुत प्रेम था, काफ़ी दुखी दिखाई दे रहा है। तो कुमार मनोज बोला कि दुखी भी हूँ और खुश भी हूँ कि चौबे जी बहुत लोकप्रिय आदमी थे, देखो कितनी भीड़ इनकी शव यात्रा में आई है, इतने तो कभी इनके यहाँ कवि सम्मेलन में भी नहीं आए। अब समाज का सीन देखिए, हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे, लोग हमें ऊपर से कंधा और अंदर से गालियां दे रहे थे, एक धीरे से बोला साला क्या भारी है, साला क्या भारी है। दूसरा बोला भाई साहब ट्रक की सवारी है, और ट्रक ने भी मना कर दिया तो हमारे कंधों पे जा रही है। एक हमारे ऑफिस का मित्र बोला, एक हमारे बैंक का मित्र बोला, कैसे मरना ही था तो संडे को मरता, कहाँ मंडे को मर गया बेदर्दी, एक ही तो छुट्टी बची थी कम वक्त ने उसकी भी हत्या कर दी। एक और बोला कि हाँ यार काम तो हमारा भी लटक गया, आज बिजली का बिल जमा करने की लास्ट डेट थी तो यहाँ पर अटक गया, अब कल जो पेनल्टी भरना पड़ेगा उसका पैसा क्या इसका बाप देगा, एक मित्र वाकई दुखी हो रहा था, बेचारा फूट फूट के रो रहा था। उससे किसी ने पूछा कि क्या तेरा मरने वाले से इतना प्रेम था जो उसके लिए थोक में आंसू बहा रहा है। वो बोला मरने वाले को मारो गोली भाई साहब, हमको तो अपना 100 रुपये का नोट याद आ रहा है, हमने अपने बाप से लेके दिया था, हमने अपने बाप से लेके दिया था और अभी तो ब्याज भी नहीं दिया था कि ये इंटरवल में ही मर गया, साला हमारे लिए कितना टेंशन कर गया। व्यंग देखिएगा, साला हमारे लिए कितना टेंशन कर गया, अब तुम हमारे बाप को नहीं जानते, इतना कंजूस है कि लोग हमको उसका बेटा ही नहीं मानते, आपस में फुसफुसाते हैं कि कंजूस ने बेटा कैसे पैदा कर लिया, अब बताओ ऐसी कड़की में ये मर लिया, अब हम अपने बाप को क्या मुंह दिखाएंगे, उनको पता चलेगा तो 100 रुपये के लिए हमको बेच आएंगे। एक और सीन देखिए साहब, तभी हमारे मोहल्ले का कुल्फी वाला आ गया आया, मैं कुल्फी खाता था उससे, तभी हमारे मोहल्ले का कुल्फी वाला आ गया और उसने अपना कंधा जैसे ही हमारी अर्थी को लगाया, कम्बक के मुंह से आवाज आई, ठंडी मीठी बर्फ मलाई। तभी हमारे मोहल्ले का कुल्फी वाला आ गया और उसने अपना कंधा जैसे ही हमारी अर्थी को लगाया, कम्बक के मुंह से आवाज आई, ठंडी मीठी बर्फ मलाई। कोई पीछे से बोला कमाल है भाई, यहाँ पर भी धंधा, दुकान लगा रहे हो कि कंधा, यहाँ पर भी धंधा, दुकान लगा रहे हो कि कंधा। वो बोला क्षमा करें, मुंह से निकल गया तो क्या करें, ऐसा नहीं कि मैं शव यात्रा के कायदे कानून नहीं जानता, मगर कमबख्त इस मुंह को क्या करूं जो नहीं मानता, जैसे ही कोई वजनदार सामान कंधे पर आता है मुंह से बर्फ मलाई पहले निकल जाता है। ऐसा नहीं कि मैं शव यात्रा के कायदे कानून नहीं जानता, मगर कमबख्त इस मुंह को क्या करूं जो नहीं मानता, जैसे ही कोई वजनदार सामान कंधे पर आता है मुंह से बर्फ मलाई पहले निकल जाता है। दोस्तों जून का महीना था, हर आदमी पसीना पसीना था, एक अर्थी ढोऊ बोला,
एक अर्थी ढो बोला, यार क्या भयंकर धूप है। दूसरा बोला, मरने वाला भी खूब है, मरा भी तो जून में। अरे इस समय तो आदमी को होना चाहिए देहरादून में, ये थोड़े दिन और इंतजार करता तो जनवरी में आराम से नहीं मरता, अपन भी जल्दी से घर भाग लेते, जितनी देर बैठते सर्दी में आगे तो ताप लेते। मरा भी तो जून में। अरे इस समय तो आदमी को होना चाहिए देहरादून में, ये थोड़े दिन और इंतजार करता तो जनवरी में आराम से नहीं मरता, अपन भी जल्दी से घर भाग लेते, जितनी देर बैठते सर्दी में आग तो ताप लेते। भला मरने के लिए जून का महीना कितना बोर है। तभी कोई बोला कि हाँ यार, सर्दियों में मरने का मजा ही कुछ और है। लोग बिल्कुल बेतुकी की बातें करते हैं, मरने के लिए जून का महीना कितना बोर है। कोई बोला कि हाँ यार, सर्दी में मरने का मजा ही कुछ और है, जैसे वो हर साल रेगुलर मरते हों। हाँ यार, सर्दी में मरने का मजा ही कुछ और है। तभी पीछे से आवाज़ आई, अच्छा बड़े भाई, आप तो जनवरी में ही मरेंगे। वे बोले, नहीं, हम फरवरी में प्रस्थान करेंगे, जनवरी में हमारा इंक्रीमेंट आता है। भला हिंदुस्तानी कर्मचारी भी कहीं अपनी वेतन वृद्धि छोड़ के जाता है? तभी शायद किसी को श्मशान दिखा, वो मारे प्रसन्नता के चीखा कि राम नाम सत्य है। एक अधमरा बोला कि भैया, दरअसल मर तो हम रहे हैं, मुर्दा तो साला अपनी जगह मस्त है, मस्त है, मस्त है।